हेलो व्यूअर, वेलकम टू रघुनंदन मनी। मार्केट में आज एक बुलिश ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। जैसे गैप अप देने के बाद मार्केट एक तेजी में रहा और निफ्टी करीब 16,100 से ऊपर जाकर सेटल हुआ और बैंक निफ्टी 34,900 से ऊपर जाकर सेटल हुआ। जैसे प्रीवियस सेशन में भी एक्सपेक्टेड था कि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है और आज मॉर्निंग से ही ग्लोबल सेंटीमेंट भी सारे पॉजिटिव थे और उसका इम्पैक्ट सीधा अपने मार्केट में देखने को मिला। आज जो सेक्टर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करे उसमें मेटल्स जो कि 4.5% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। जो अब तक का सबसे बड़ा वीकनिंग सेक्टर था उसका आज एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। उसके साथ ही पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, केवल एक एफएमसीजी सेक्टर ही थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में सेटल हुआ, लेकिन बाकी ब्रॉड मार्केट देखें एक पॉजिटिव रैली देखने को मिली। जैसे कि यूएस फ्यूचर्स भी आज पॉजिटिव रहे तो उसको सीधा इम्पैक्ट देखने को मिला और यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव रहे। अब नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को जो कि इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें क्या रह सकता है उसको हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पर हम देखें कि नेक्स्ट डे कैसी मूव रह सकती है और क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं। जैसे कि प्रीवियसली 16,000 एक हर्डल बना हुआ था और आज मार्केट 16,100 से ऊपर सेटल हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्केट का ये सिग्नल है कि आगे भी तेजी रह सकती है। लेकिन अगर इस बीच में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो जो सपोर्ट जोन का काम करेगा वो 16,000 और उसके बाद 15,800, ये दो लेवल हैं डाउन साइड में सपोर्ट जोन के। बाकी अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो 16,200 के आसपास है। अगर वहाँ से भी प्राइस सस्टेन होते हैं नेक्स्ट तो 16,400 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये जब से ये ब्रेकआउट लिया था और लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा था तो ये साफ इंडिकेशन था कि मार्केट का मोमेंटम अप रह सकता है। और अब जो हर्डल्स है आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन है जो उसी लेवल को रजिस्ट कर रहा है जो लगभग 16,200 के आसपास है। अगर उससे ऊपर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट ये लेवल अचीव हो सकता है 16,100। अगर कोई डिक्लाइन आता है तो अभी इमीडिएट सपोर्ट तो 16,000 है, अगर वो भी ब्रीच होता है तो 16,200 के आसपास सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, 15,800 के आसपास। और इसी साथ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी भी आज अच्छी गैप ओपन दी और आप देख सकते हैं ये गैप बना हुआ है अभी भी मार्केट में। और ये प्रीवियसली जब मार्केट में एक साथ डेक्लाइन आई थी तो इसी लेवल से प्राइस में गैप बना था, तो ये एक तरह से एक आइसलैंड टाइप का बना हुआ, आइसलैंड पैटर्न बोलते हैं इसको। सो अभी तो अपसाइड मोमेंटम में है तो नेक्स्ट जो हर्डल दिख रहा है सो ये मेजर हर्डल तो 35,800 के आसपास है, लेकिन इमीडिएटली जो दिख रहा है वो 35,300 के आसपास है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 35,300 एंड सपोर्ट कह सकते हैं कि 34,500 के आसपास। और देखिए आरएसआई भी यहाँ से क्रॉसओवर ले गई है, जो हमने लोअर ट्रेंड लाइन डाली थी यहाँ पर, ये आप देखिए, और उसको ब्रेकआउट लिया है यहाँ पर, तो स्ट्रेंथनिंग है प्राइस और मूव आ सकती है अपसाइड में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। आईटी सेक्टर पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आईटी अभी भी थोड़ा सा लैगार्ड है कि मार्केट के साथ नहीं चल रहा जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम बनाया हुआ है, लेकिन उस तरह से स्ट्रेंथनिंग नहीं बना हुआ है क्योंकि जो इसका सेटअप बना हुआ है वो काफ़ी वीक है। आप देख सकते हैं कि लोअर लो काफ़ी बनाए हुए हैं इसने और
हालांकि एक रेंज है, अभी इसने ब्रीच करी थी लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, तो अभी भी ऐसा लगता है कि ये रेंज बाउंड ट्रेड रह सकती है आईटी सेक्टर में। थैंक यू।